नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सरोज यादव आज कक्षा 12वीं की हिंदी सामान्य का पहला अध्याय जो कि कविता है सूर के बाल कृष्ण, इसे सूरदास ने लिखा है। इसका पहला पद इसके पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ। आज इस कविता का दूसरा पद आपको समझाऊंगी। इस पद में बालक कृष्ण अपनी माता से वन में गायें चराने जाने की जिद कर रहे हैं और माँ उन्हें किस प्रकार से समझाती हैं और वह किन तर्कों के द्वारा अपनी माँ को समझाती हैं कि आज मैं गायें चरावन जी हूँ। बालक कृष्ण अपनी माँ को कहते हैं कि आज मैं गायें चराने जाऊँगा, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हूँ और आज वृंदावन के भांति भांति के यानी तरह तरह के फल अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। जब वह ऐसा कहते हैं तो माँ उनको कहती हैं, ऐसी बात कहो जनी बारे यानी बालक तुम ऐसी बात मत कहो, देखो अपनी भीति, तुम अपनी अवस्था तो देखो, अर्थात हे कृष्ण अभी तुम बहुत छोटे हो। आगे वह समझाती हैं कि तनक पग चालू कैसे, कि कृष्ण तुम अपने छोटे छोटे पाँव से कैसे चलोगे और जब तुम वन में गायें चराने जाओगे तो आवत है रात्रि, तो आने में तुम्हें रात हो जाएगी। आगे वह कहती हैं, प्रात जात गैया ने चारण, तुम सुबह गायें चराने जाओगे, घर आवत है सांझ और घर आने में सांझ हो जाएगी। और आगे वह उनको समझाती हुए कहती हैं कि तुमरो कमल बदन कुमिले हैं, रेंगती घामई मांझ, जब तुम घामी यानी गर्मी में धूप में, रेंगती यानी धीरे धीरे, मांझ यानी मध्य, जब तुम गर्मी में धीरे धीरे चलोगे तो तुम्हारा कमल के समान शरीर कुमला जाएगा, तुम्हारा कमल के समान शरीर मुरझा जाएगा। जब माता ने इतने सारे तर्क दिए कि भाई तुम छोटे हो, तुम कैसे जाओगे, अपनी अवस्था देखो, तुम्हारे पांव छोटे छोटे हैं, तो कृष्ण उनको क्या तर्क देते हैं कि तेरी सो मोई घाम न लागत, माँ सो यानी सोगन, तेरी सोगन माँ मुझे गर्मी नहीं लगती है, भूख नहीं कछु नेक और जरा भी भूख नहीं लगती है, सूरदास प्रभु कहियो न मानत परियो आपने टेक। सूरदास कहते हैं प्रभु बिल्कुल भी कहना नहीं मान रहे हैं और अपनी जिद पर, अपनी बात पर, अपनी हट पर अड़े हुए हैं। एक बार फिर से देखिए, प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण अपनी माता से वन में गायें चराने जाने की जिद कर रहे हैं। वह कहते हैं आज मैं गायें चराने जाऊंगा, वृंदावन के तरह तरह के फल अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। माँ उन्हें कहती हैं, ऐसी बात मत कहो बालक, तुम अपनी अवस्था तो देखो, अर्थात अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे छोटे छोटे पाँव हैं, तुम कैसे चलोगे, आने में रात हो जाएगी, प्रातः तुम गैया चराने जाओगे, घर आने में सांझ हो जाएगी, तुम्हारा कमल के जैसा बदन, तुम्हारा नाजुक शरीर, कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा कमल का जैसा जो शरीर है वह कुमला जाएगा क्योंकि तुम धूप में धीरे धीरे चलोगे जिससे तुम्हारा शरीर मुरझा जाएगा। तब बालक कृष्ण तर्क देते हैं कि हे माँ तेरी कसम मुझे ना धूप लगती है, मुझे भूख भी नहीं लगती है। सूरदास कहते हैं प्रभु बिल्कुल कहना नहीं मान रहे हैं और अपनी बात पर अड़े हुए हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस कविता का, इस पद का विशेष इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पद में बालहट का स्वाभाविक चित्रण किया है कि किस प्रकार से बालक कृष्ण अपनी माता से वन में गायें चराने जाने की जिद कर रहे हैं। ब्रजभाषा है, भांति भांति और तनक तनक, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।